नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दें, आधी रात दोस्त के साथ घूमने गई लड़की से रेप के बाद हत्या कर दी गई। किराना दुकान में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म भी किया गया। दरअसल आपको बता दें, जिले में नहीं रुक रहे नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के मामले। दुष्कर्म की दो घटनाओं के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा। दोस्तों बताएंगे इस पूरी खबर को विस्तार से, लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर प्रशासन या पुलिस प्रशासन या केंद्र सरकार अपना सही से काम नहीं कर पा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दरअसल आपको बता दें, जिले में लगातार नाबालिग बेटियों छात्रों के साथ दुष्कर्म की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं आज पुलिस अधीक्षक द्वारा दुष्कर्म की दो अलग अलग घटनाओं के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर नई पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया गया। आपको बता दें, 19 सितंबर को हिंडोरिया थाना क्षेत्र के बांदकपुर चौकी अंतर्गत बांदकपुर बनवार रोड और बांदकपुर से करीब 1 किलोमीटर दूर नाले की पुलिया में एक 17 वर्षीय कंचनपुरी निवासी नाबालिग लड़की का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला और मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कार्रवाई शुरू कर दी। तो वहीं नाबालिग मृतक छात्रा का पिता जब सुबह जागा तो घर पर अपनी बेटी को ना पाकर हिंडोरिया थाना क्षेत्र पहुंचा और घटनाक्रम में बताया कि बीती रात सोई उसकी बेटी, लेकिन सुबह जब वो जागा तो घर पर बेटी नहीं पाई, जिसके बाद हिंडोरिया पुलिस ने अपनी बेटी की गुमशुदा दर्ज कराने वाले पहुंचे फरियादी को जब बांदकपुर के पास मिली नाबालिग लड़की के शव की फोटो दिखाई तो फरियाद ने तत्काल अपनी बेटी को पहचान लिया। आपको बता दें, टिक्कू लाल मृतक नाबालिग का पिता, वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में मिली नाबालिग की लाश के बाद पुलिस को भी यही संदेश चल रहा था कि किस जरूर लड़की के साथ दुष्कर्म में जैसी घटना को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस मामले में अज्ञात आरोपी के तलाश में जुट गई है, जिसमें मृतक नाबालिग लड़की के गांव का रहने वाला मित्र ही आरोपी निकला, जिसने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया कि वे 18-19 सितंबर की दरमियान रात मृतक नाबालिग के घर पहुंचा, वहां से नाबालिग को लेकर निकला तो बीच रास्ते में गाड़ी पंचर होने के बाद दोनों घटनास्थल वहीं नाले की पुलिया पर रुके और वहीं पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने लड़की की हत्या कर मौके से फरार हो गया। लेकिन पुलिस लगातार प्रयास में, जिसके चलते आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा कंट्रोल रूम में खुलासे के बाद उसको जेल भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें, पटेरा थाना अंतर्गत कल 26 सितंबर को शाम करीब 5 बजे एक 8 वर्षीय बालिका गांव की किराना दुकान पर कुछ खरीदने के लिए पहुंची, जहां पर दुकान संचालक नाबालिग लड़की द्वारा अपने दुकान के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान मासूम बच्ची की चाची मौके पर पहुंच गई और उसने आरोपी के चंगुल से मासूम बच्ची को बचाकर इलाज के दौरान हॉस्पिटल लेकर पहुंची और वहीं परिजनों द्वारा घटना के संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा करते हुए मामले की जानकारी दी गई। दोस्तों आपको बता दें, जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर बीते कुछ दिनों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दमोह पुलिस अधीक्षक आड़े हाथों लेते हुए जिले में कानून व्यवस्था के निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद इसके लगातार आए दिन नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको जिले के थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता से नहीं ले पा रहे, इसके चलते फरियादी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचना पड़ता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते दिख रहे हैं। दमोह पुलिस प्रशासन को चाहिए कि छेड़छाड़ वाले मामलों को दुष्कर्म की घटना में बदलने से पहले ही गंभीरता से लिया जाए और अपराध के आंकड़ों तो घटेंगे, साथ ही बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सुरक्षित नहीं रह पा रही।